शाहिद कपूर को देख के मुझे सही में बुरा लगता है यार, बिकॉज़ हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और फाइनली द मच टॉक्ड अबाउट शाहिद कपूर स्टारर फर्जी Amazon Prime पे ड्रॉप हो चुकी है। तो क्या फर्जी है फैमिली मैन के टक्कर की वेब सीरीज, या फिर राज और डीके ने अपने आप को ही वन अप कर दिया और फर्जी को बना दिया फैमिली मैन से भी बेटर, और साथ ही साथ क्या फर्जी हिंट कर रहा है टुवर्ड्स अ फ्यूचर क्रॉसओवर बिटवीन द फैमिली मैन एंड फर्जी। इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड में ऑनेस्टली सेइंग। में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसका वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑब्जेक्टिव था कि भैया इंडियन मार्केट में जो FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट सर्कुलेट हो रहे हैं उसको रोका जाए। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 2000 के नकली नोट 13,604 पीस पकड़े गए सिस्टम में, जो कि टोटल अगर करा जाए तो 54.6% ज्यादा थे पिछले फाइनेंशियल ईयर से। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 2000 के नकली नोटों के साथ साथ 500 के जो नकली नोट पकड़े गए मार्केट में वो अगर टोटल करे जाए तो 102% ज्यादा थे वो पिछले फाइनेंशियल ईयर से। 2016 की डीमोनेटाइजेशन के बाद से लेके अब तक नियरली 250 से 300 करोड़ की फेक करेंसी इंडियन मार्केट में सर्क्यूलेट करती हुई पकड़ी जा चुकी है। भारत सरकार कुल मिला के 14 सिक्योरिटी पैरामीटर्स को अप्लाई करती है व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंसी बिल्स, ताकि उनकी डुप्लीकेसी, उनकी काउंटरफिटिंग ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाए। लेकिन अगर रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक जाया जाए तो इन 14 पैरामीटर्स में से 10 पैरामीटर्स को ऑलमोस्ट नकली नोट बनाने वाले लोग मैच कर चुके हैं। एक नॉर्मल सिविलियन की सोच के हिसाब से देखा जाए तो अगर 150 से 200 नोटों में एक या दो नोट नकली निकल आए तो कोई बड़ी बात नहीं लगती हम लोगों को, लेकिन अगर ये एक या दो नोट ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से कंपाउंड कर दिए जाए तो ये पूरा का पूरा जो क्राइम का रैकेट है ये लाखों अरबों करोड़ों रुपए में रन थ्रू कर जाता है, और साथ ही साथ कितना नुकसान पहुंचा सकता है हमारी मनी सर्कुलेशन सिस्टम को कंट्री के, ये हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाते। तो बस इसी FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स के क्राइम पर बेस्ड है राज एंड डीके फर्जी। अब काफी लोगों को यह बात नहीं पता है कि राज और डीके ने जब फर्जी का इनिशियली आइडिया कंसीव किया था लगभग 9 साल पहले, तो ये चाहते थे इसको एक फिल्म बनाना जिसके लीड में होंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शाहिद कपूर। एंड वेरी ऑनेस्टली सेइंग गाइस, आफ्टर वॉचिंग दिस शो इन लिटरली वन सिटिंग, एक बारी में मैं बैठा और पूरा का पूरा शो मैंने ये बिंज किया, एंड बाय द एंड ऑफ द शो आई रियलाइज दिस फैक्ट कि भैया कितना सही हुआ कि फर्जी की जो कहानी है उसको एक वेब सीरीज में तब्दील किया गया, ना कि एक पिक्चर में। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। मेरे हिसाब से अगर फर्जी की कहानी को एक पिक्चर में बना दिया जाता तो जो वेब सीरीज में आपको जबरदस्त इंटेलिजेंटली रिटन स्क्रीन प्ले देखने को मिलेगा वो शायद पिक्चर में देखने को नहीं मिल पाता। जो जबरदस्त एक्टिंग, जो कैरेक्टर आर्चेस आपको देखने को मिलेंगे वेब सीरीज में, उनको कैसे डेवलप करा गया है ओवर द कोर्स ऑफ 8 लॉन्ग एपिसोड्स, वो शायद पिक्चर में जस्टिफाई नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर फर्जी को एक फिल्म में तब्दील कर दिया जाता तो इनको इस फिल्म की कहानी को एक्सट्रीमली बॉलीवुडाइज करना पड़ता, जिसकी वजह से जो सोल ऑफ द होल स्टोरी आप देखोगे वेब सीरीज में, जो मजा आपको आएगा, जो सीरियसनेस आपको देखने को मिलेगी, वो कंप्लीटली एज अ फिल्म खत्म हो जाती। ये अमीर लोग ने सिस्टम बनाया जिसमें जिंदगी भर गरीब उधार चुकाएगा और अमीर ब्याज खाएगा। तो फर्जी बेसिकली कहानी है दो दोस्तों की जो बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, और अब उनमें से एक है एक पेंटर, एक आर्टिस्ट होता है, और वो स्ट्रगल कर रहा होता है ढंग से पैसे कमाने में, और साथ ही साथ दूसरा बन जाता है प्रिंटिंग प्रेस का एक टेक्नीशियन। अब ये दोनों अपनी जिंदगी में गरीबी और स्ट्रगल से तो दुखी है ही, बट जो आर्टिस्ट होता है इन दोनों में से वो एक बहुत ही केपेबल आर्टिस्ट होता है, उसको अपनी केपेबिलिटीज का पता होता है और वो चाहता होता है कि भैया दुनिया जाने मेरे आर्ट के बारे में। हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है लेकिन मैं सब में एक्सपर्ट हूँ। यही अनएंडिंग स्ट्रगल, पैसों की दिक्कत और रिकग्निशन के लालच में दोनों पड़ जाते हैं फेक नोट्स की मैन्युफैक्चरिंग। पागल हो गया क्या? अब नकली नोट बनाएंगे? अब ये कहानी फंडामेंटल प्लॉट तो है पूरे के पूरे शो का, बट दिस इज नॉट व्हाट इज ऑल टू द स्टोरी। इतना दिमाग लड़ा के लिखा गया है स्क्रीन प्ले दैट द आयरनीज ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट दैट दे वांटेड टू कन्वे, वो आपको हंसा तो देंगे बट एट द सेम टाइम दे विल साउंड एक्सट्रीमली ऑर्गेनिक टू। नकली नोट कितने तरीके के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसी टाइपोग्राफी, कैसी कैलीग्राफी यूज करी जाती है उनके ऊपर, सैंडविच नोट क्या होते हैं, कौन से पेपर लगता है, कितने GSM का पेपर लगता है, ये सारी टेक्निकलिटीज भी विदाउट गेटिंग टू टेक्निकल आपको कन्वे कर देंगे। सबकी कॉपी बना सकता हूं।
और ऐसा भी नहीं है कि दो लॉन्डो को दिखा दिया कि भैया स्ट्रगलर्स थे, इन्होंने पैसा छापना सीख लिया अपनी प्रेस में और अब ये रातों रात रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी बन जाएगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने ये दिखाया है कि हाँ भाई इतना पैसा अगर ये छाप भी लेते हैं तो उसको मार्केट में डिस्पेंस करना, लोगों के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना इतना आसान नहीं है, और इतनी ही आसानी से कुछ पैसे छाप के ही रातों रात अमीर नहीं बना जाता। तेरी लाइफ में ग्लैमर आएगा तू तो क्या करेगा, फुल चेन एकदम लुडाक्रिस जैसा। तो बेसिकली स्टोरी ग्राउंड लेवल पे रहती है, रियलिटी से अपने रूट से बहुत कनेक्टेड रहती है और एक्सट्रीमली स्लो बर्न पेस पे शुरू होती है। शो के 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड का रन टाइम 50 मिनट से 1 घंटे तक का है, विच इज फेयरली लॉन्ग, बट दिस ऑल्सो शोज कि भैया शो के मेकर्स कितने कमिटेड थे कि शो की स्टोरी को खोलना है। तुम्हें कैरेक्टर आर्चेस देखने को मिलेंगे, तुम्हारे को मल्टीपल साइड लाइन स्टोरीज देखने को मिलेंगी, तुम्हारे को ये भी देखने को मिलेगा कि भैया एक बंदा कैसे एक आर्टिस्ट से क्रिमिनल में बन जाता है, तो वो सारी की सारी चीजों को टाइम चाहिए था स्क्रीन पे और वही देखने को मिलता है। स्लो बर्न थ्रिलर होने के कारण पहले 1.5 से 3 एपिसोड तुम्हारे को थोड़े से ड्रैग्ड लग सकते हैं, वहां पे तुम्हें लगेगा कि यार ये थोड़े छोटे होते तो चल जाते, बट अगर तुम उनसे पावर थ्रू करके आगे बढ़ जाओगे तो 3rd एपिसोड ऑनवर्ड तुम्हारे को पता लगेगा ये जो इतना लंबा इन्होंने बिल्डअप दिया था दैट वॉज कंप्लीटली वर्थ इट। शाहिद कपूर को देख के मुझे सही में बुरा लगता है यार, बिकॉज दिस गाय इज सो डैम टैलेंटेड और इसको जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिली, बट आई होप कि फर्जी में लोग देखें कि इसका जो स्पेक्ट्रम है एक्टिंग का वो कितना जबरदस्त है। हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग मिडिल फिंगर क्लास है। आज तक हमने शाहिद को बड़े पर्दे पे देखा है, एक फीचर फिल्म में देखा है, और पहली बार उसको एक वेब सीरीज में देखने के बाद आई कुड अंडरस्टैंड दैट दिस गाय इज सो कमिटेड टू हिज क्राफ्ट। शाहिद के साथ जो दूसरा बंदा है वो है भुवन अरोड़ा, और दोनों का जो ब्रोमांस दिखाया है ना, जो ब्रदर केमिस्ट्री दिखाई है ना इसके अंदर, वो फॉल ऑफ होती ही नहीं है पूरे के पूरे शो में। आई मीन जब तुम उसको देखोगे स्पेशली लॉन्डे, और अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो और तुमने एक ऐसा स्ट्रगल का पीरियड देखा है जहां पे भैया तुम और तुम्हारा एक दोस्त था जो साथ में ही स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, तो तुम कैसे बात करेंगे, कैसे गाली बकेंगे एक दूसरे को, कैसे वो चाय पिएंगे, कैसे वो खाना ऑर्डर करने जाएंगे, एवरीथिंग हैज बीन वेरी वेल थॉट आउट। और वो सारे थॉट्स जो भी क्रिएटर्स के थे इन दोनों एक्टर्स ने भुवन एंड शाहिद हैव डन कंप्लीट जस्टिस टू इट। लेकिन जैसे ही 3rd एपिसोड ऑनवर्ड उनका स्क्रीन टाइम बढ़ना शुरू होता है शो के अंदर, आई वॉज हुक्ड, एंड बाय द एंड ऑफ द शो मुझे ये लग रहा था अगर ये कैरेक्टर लिखा गया है ना तो ये लिखा ही विजय सेतुपति के लिए गया है। मलेशिया, थाईलैंड, मसाज एंजॉय यू चूज। दो लोगों की जो बैंटर देख के तुम्हें बड़ा मजा आएगा ना, हंस के पागल हो जाओगे, वो है द बैंटर बिटवीन सेतुपति का कैरेक्टर और एक होता है मिनिस्टर गहलोत। दैट इज हिलेरियसली रिटन। सर व्हाट इज निष्कर्षित सर? टर्मिनेशन। मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है। नाउ ऑल्दो शाहिद कपूर एंड विजय सेतुपति आर द स्टार्स ऑफ दिस कास्ट, लेकिन जब आप ये शो देखोगे इतनी अच्छी राइटिंग है और सारे के सारे कास्ट मेंबर्स ने अपना पार्ट इतनी अच्छी तरह प्ले करा है दैट एवरी कैरेक्टर आपके सबकॉन्शियस में रह जाएगा। यू वुड स्टार्ट वाउचिंग फॉर कोई ना कोई कैरेक्टर आपको अच्छा लगने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को के मैनन का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया लगा। कामयाबी का राज पता है क्या? डर। जब तक नीचे आग नहीं लगती ना तब तक इंसान रॉकेट नहीं बनता। अमोल पालेकर जी को भी स्क्रीन पर काफी टाइम के बाद देखने को मिल रहा है और उनको देखकर भी आपको यही लगेगा दैट ही हैज डन अ फ्लॉलेस जॉब। तुम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो ना? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। शो की कास्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है और हर बंदे ने बहुत बढ़िया काम किया है, चाहे उसका रोल 5 मिनट का हो या 45 मिनट का हो, तुम्हें कहीं भी ये नहीं लगेगा दैट द एंटायर सीरीज इज बीइंग रन बाय सेतुपति और बाय शाहिद। शो की एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है। एक गाना जो मेरी जबान पे चढ़ गया और मेरे सबकॉन्शियस में अटक गया है वो है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सुनना, क्या जबरदस्त गाना है वो भी। और हाँ, दो डायरेक्ट कनेक्शंस दिखाए गए हैं विद द फैमिली मैन्स कास्ट इन दिस शो, अगर मैं वो बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, वो तुम खुद फिगर आउट कर लेना। और ये देखने के तो मैं ये भी समझ आ जाए कि शायद आने वाले फ्यूचर में फैमिली मैन और फर्जी का क्रॉसओवर हो सकता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्या फर्जी फैमिली मैन से बेटर है? तो मैं यही कहूंगा इसको लेके कि भैया फैमिली मैन से अगर बेटर नहीं है ना फर्जी, तो इट सिट्स राइट नेक्स्ट टू फैमिली मैन व्हेन इट कम्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टिंग एंड कास्टिंग। इतना पैसा है कि पूरा ऑफिस भर सकता है। शुरू में तुम्हारे को थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है शो, लेकिन पावर थ्रू कर जाओ मजा आ जाएगा। The only thing that I did not like about the show was कि शुरू के 2-3 episodes का run time actuality में छोटा हो सकता था, और अगर वो छोटा हो जाता तो शायद ये show और बढ़िया लगता। जहां तक रही फैमिली के साथ बैठ के देखने की बात, तो ये तुम देख सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे घर वाले गालियों को एक्सप्लिसिट कंसिडर करते हैं नहीं करते, क्योंकि गालियां भरपूर हैं शो के अंदर।
तो गाइस ये था मेरा रिव्यू ऑफ फर्जी, और मुझे सही में ये लग रहा था रणदीप हुड्डा की कैट देखने के बाद कि कैट को ना हाल फिलहाल में कोई भी वेब सीरीज टक्कर नहीं दे सकती, बट फर्जीज है। और काफी लोगों को अभी भी नहीं पता है कि जो मैं रिकमेंडेशंस देता था अपने रिव्यूज के आखिरी में, मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो तुम वहां पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई शॉर्ट वाले टैब पे क्लिक करो, सब कुछ वहां तुम्हारे को मिल जाएगा। और हां भाई, जाने से पहले, राखी सावंत का जो नया वेब सीरीज आया है, नया वेब शो आया है इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम है राखी डज हग्गू हग्गू, उसके कौन से एपिसोड में पहुंच गए हो तुम? मैं तो पहुंच गया हूं राखी की बेहोशी पे। अभी शायद इससे वो थोड़ा बहुत जो उसका रेलेवेंट रहने का माइलेज बचा है वो खींचना चाहती है। तो इसका रोस्ट आ रहा है सैटरडे को, वो देखना मत भूलना। तब तक के लिए मामा मिया लज़ानिया पप्पी बाय बाय, पैंट से हाथ निकाल लो, फर्जी देख लो, बाय बाय। नॉक 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 नॉक।